हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक डैश स्टार्टर में एक डैश थ्रो स्विच लगा होता है, जिससे प्रेरण मोटर के स्टार्ट होते समय डैश धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टर में दोस्तों यानी कि जो लगा होता है सिंगल लगा होता है, ठीक है, सिंगल थ्रो स्विच लगा होता है, ठीक है, सिंगल थ्रो स्विच लगा होता है जो जिसके प्रेरण मोटर के स्टार्ट होते समय यानी कि उच्च धारा है ना, क्या यानी कि उच्च धारा यानी कि सिंगल और उच्च धारा प्रवाहित होती है ना। ऑप्शन ए में करा यानी कि डबल और निम्न, तो डबल और निम्न धारा प्रवाहित नहीं होता भाई ना, सिंगल और निम्न होता है, सिंगल तो होता है लेकिन उसके साथ साथ यानी कि उच्च होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डैश होते हैं, यानी कि स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका जो स्टेटर जो होता है यानी कि समरूप होता है, किस प्रकार का होता है यानी कि स्टेटर जो होता है यानी कि समरूप होता है ना, स्टेटर इसका समरूप होता है। ए में करा यानी कि डबल प्रकार के रोटर, तो डबल प्रकार के रोटर नहीं होता है, रोटर समरूप नहीं होता है दोस्तों, यानी कि स्टेटर समरूप होता है, ठीक है ना, यानी कि स्टेटर समरूप होता है यानी कि समान होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, स्टेटर समरूप स्टेटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, छ पोल के लिए वाउंड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, स्टेटर छ पोल के लिए वाउंड है, इसके रोटर को डैश के लिए वाउंड होना चाहिए, ठीक है, कितने के लिए यानी कि छः पोल के लिए करा यानी कि वाउंड है ना। और जब ये छः पोल के लिए वाउंड है तो इसका रोटर भी यानी कि जो वाउंड होगा यानी कि सिक्स से ही होगा, कितना से यानी कि छः से ही होगा। ऑप्शन किस में दिया है, छः, ऑप्शन सी में दिया है छः। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित थ्री फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाले थ्री फेज समित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार का है, यानी कि किस प्रकार का क्षेत्र होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों, ये क्षेत्र होता है यानी कि नियत परिमाण के साथ यानी कि स्पेस में रोटेटिंग होता है, किस में रोटेटिंग होता है, स्पेस में रोटेटिंग होता है ना, स्पेस में यानी कि रोटेटिंग होता है। ऑप्शन किस में दिया है, स्पेस में रोटेटिंग, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जब आप एक प्रेरण पर DOL स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, किसका बात कर रहा है यानी कि DOL का बात कर रहा है, और DOL का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, और इस पर जो होता है दोस्तों यानी कि पूर्ण भार करंट का 5 से लेकर के यानी कि 6 गुना होता है, क्या होता है, 5 से 6 गुना होता है निर्धारित करंट का। ए में कह रहा है यानी कि पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना, चलिए भाई ये तो ठीक है भाई ना, स्टार्टिंग धारा जो होता है निर्धारित करंट का 5 से 6 गुना होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया, एक 50 हर्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलती है, इसके तुल्यकालिक गति क्या होगा, है ना, तुल्यकालिक गति हमको बताना है। तो NS बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 120 और गुना में F और बट्टा में क्या होता है, P होता है, है ना। तो 120 और गुना में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना लेना है, 50 हर्ज दिया है तो 85 हर्ज लेंगे, नहीं तो अमेरिका नहीं है तो 60 हर्ज लिया जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब क्या करना होगा भाई, अब यानी कि क्या करेंगे, पोल की संख्या कितना कर रहा भाई, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2 मान लेना है ना, तो कितना हो जाएगा, 12×5=60, और यानी कि 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना, यानी कि 3 बचेगा, यानी कि 3000 RPM आएगा, है ना। स्पीड जो होगा इसका दोस्तों 3000 RPM आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, 3000 RPM, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बी में दिया हुआ है 3000 RPM। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित्र प्रवर्तन विधि का मुख्य लाभ क्या है, यानी कि प्रवर्तन विधि का जो मुख्य लाभ है क्या क्या है उसके बारे में हमको बताना है। ए में कह रहा है, मोटर प्रवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपयोग करती है, ठीक है भाई ये तो सामान्य बात है। बी में दिया हुआ है, इनपुट साइड पर उच्च शक्ति उत्पाद गुणांक प्रदान करती, नहीं भाई ये तो नहीं होता है इसमें। बी में दिया है, मोटर प्रवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए अधिक लाइन धारा का उपयोग करती, ऐसा भी नहीं होता है इसमें। डी में दिया है,
अन्य विधियों की तुलना में सस्ती होती है, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा का कम लाइन धारा का उपयोग करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, थ्री फेज फैन मोटर में तीन फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स है, यानी कि तीन फेज में जो उत्पन्न फ्लक्स होता है यानी कि धारा के कारण किसके कारण होता है, यानी कि इसका जो एंगल होता है कितना डिग्री का होता है। एंगल की अगर बात किया जाए तो इसका एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना होता है 120 डिग्री का, कोण पे होते हैं। ए में कह रहा है 60, तो 60 पे नहीं होता है, ना 180 पे होता है, ये 120 डिग्री पे होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, कह रहा है कि निम्न में से किससे से बचाने के लिए थ्री फेज फैन मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है, यानी कि टेढ़ा किस लिए किया जाता है, है ना दोस्तों। यानी कि टेढ़ा जो किया जाता है मेनली रूप से ये क्राउलिंग से बचाने के लिए, है ना, क्राउलिंग से किससे, यानी कि क्राउलिंग से बचाने के लिए इसको टेढ़ा करते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा रखा जाता है। ए में करा है क्राउलिंग, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया हुआ है आर्द्रता हानि, तो आर्द्रता हानि से बचाने के लिए टेढ़ा नहीं किया जाता है, ना संरक्षण से बचाने के लिए, ना तापमान से बचाने के लिए इसको टेढ़ा किया जाता है, क्राउलिंग से बचाने के लिए इसको टेढ़ा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है, है ना, यानी कि जो समरूप होता है दोस्तों किसके समरूप होता है। देखिए समरूप की अगर बात किया जाए तो ये अल्टरनेटर के समरूप होता है, किसके, अल्टर यानी कि नेटर के समरूप होता है। ऑप्शन किस में दिया है, अल्टरनेटर, जिसको प्रत्यावर्तक कहा जाता है हिंदी में। ए में कह रहा है यानी कि दृष्ट मोटर, तो दृष्ट मोटर के लिए नहीं, डीसी मोटर के लिए नहीं, इसको यानी कि समरूप नहीं होता है इसका, ना सिंगल पिन इंडक्शन मोटर का समरूप होता है, ना जनरेटर का समरूप होता है। ये जो समरूप होता है दोस्तों यानी कि प्रवर्तक का होता है, यानी कि अल्टरनेटर का होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम कर सकती है, यानी कि कौन सा स्टार्टर है जो स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को यानी कि कम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि DOL जो है ये स्टार्टिंग वोल्टेज को यानी कि कम कर सकता है, क्या कर सकता है, स्टार्टिंग वोल्टेज को, है ना, कम कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग के समय करंट इसमें ज़्यादा होगा, है ना, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा वहाँ पे कम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों DOL में क्या होता है, स्टार्टिंग के समय यानी कि वोल्टेज का वैल्यू जो है कम हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, जब थ्री फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है, जब फेज क्रम को यानी कि जब उलट दिया जाएगा, है ना, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए में कह रहा है कि फेज शक्ति बदल जाती है, बी में कह रहा है फेज धाराओं के कला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं होता है, सी में कह रहा है कुल विद्युत वह में परिवर्तन होता है। तो देखिए यानी कि ऐसे यानी कि करने से यानी कि फेज धारा और कला कोण में परिवर्तन तो होता है लेकिन उसका परिणाम जो है नहीं बदलता है, सेम ही रहता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड डैश द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो देखिए स्पीड की अगर बात किया जाए तो ns बराबर 120 और गुना में f और बट्टा में यानी कि p होता है। p क्या है, पुल की संख्या, f क्या है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ns क्या है तुल्यकालिक गति, है ना। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जाता है। 120 f बट्टा p किस में दिया हुआ है, तो 120 f बट्टा p जो दिया है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डैश का उपयोग करके स्व प्रारंभ किया जाता है, यानी कि सिंगल फेज मोटर में किसका उपयोग करके यानी कि इसको प्रारंभ करते हैं, तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर को लगा करके, किसको यानी कि कैपेसिटर को अगर लगा दिया जाएगा तो उसको यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं कैपेसिटर लगा करके। ठीक है ना, ये में करा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के द्वारा नहीं होता है भाई, अगर कैपेसिटर लगाया जाएगा तो सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में डैश स्लिप रिंग होती है, किसमें कह रहा है, यानी कि स्क्वायरल में कह रहा है। ठीक है, और स्क्वायरल में जो दोस्तों यानी कि स्लिप रिंग की होता है, ठीक है ना, मेनली रूप से अगर देखा जाए, है ना, अभी स्क्वायरल की बात है तो इसमें यानी कि जीरो स्लिप रिंग होता है, कितना, जीरो होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है जीरो। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ा होगा। देखिए दोस्तों इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग फॉलो कीजिएगा, यानी कि जिसका आरपीएम कम हो और वाट लगभग ज़्यादा हो, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। ए में कह रहा है यानी कि 2975, ये तो छोटा हो जाएगा भाई, ये भी छोटा होगा, अकॉर्डिंग टू 2975 की अपेक्षा ये बड़ा होगा। ठीक है ना, कितना, 1475 बड़ा होगा, लेकिन उससे भी अगर छोटा की अगर बात किया जाए,
है ना, यानी कि सबसे जो बड़ा होगा इसमें यानी कि 975 वाला होगा, क्योंकि यानी कि जिसका यानी कि आरपीएम जितना कम हो वो उतना बड़ा मोटर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से। सी में जो दिया है आरपीएम सबसे कम है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया 1 HP-watt के बराबर। देखिए इसमें यानी कि अगर देखिए ध्यान नहीं रहेगा कि ब्रिटिश में कितना होता है, मीट्रिक में कितना होता है, तो एक तो यानी कि 746 होता है सबको मालूम है, एक यानी कि 735.5 होता है। देखिए 735.5 वाला कोई ऑप्शन में नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है जो 746 वाला ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कुछ ट्रिक का भी उपयोग करना है एग्जाम में जो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत ही बन जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप डैश होती है, किसमें करा, यानी कि स्थिर अवस्था में जब यानी कि विराम में हो, है ना, जब स्थिर हो तो उस समय यानी कि स्लिप की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि इसका जो स्लिप होगा है ना मैन्युअल रूप से अगर देखा जाए तो एक के आसपास होता है, कितना होता है एक होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, क्योंकि स्थिर अवस्था में स्लिप का वैल्यू एक होगा। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सरपी वाले प्रेरण मोटर में होता है, यानी कि सरपी वाले प्रेरण मोटर जो है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि सरपी वाले प्रेरण मोटर में जो होता है सबसे पहले यानी कि उच्च प्रारंभिक बल लागू गुण होता है उसमें, जिसमें सरपी वाले प्रेरण मोटर में एमए कारा यानी कि कम बल लागू गुण, तो कम बल लागू नहीं होता है, ज़्यादा होता है, मध्यम भी नहीं होता यानी कि ज़्यादा होता है, यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है, यानी कि प्रेरण मोटर रेंगता क्यों है ना। तो देखिए दोस्तों अगर रेंगने की बात किया जाए तो मोटर का जो हार्मोनिक है वो भी कम हो सकता है ना। ए में पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ए में उच्च लोड, तो उच्च लोड से ये कंपन नहीं करेगा ना, मशीन की अनुचित डिजाइन से होगा भाई, मोटर में हार्मोनिक का यानी कि उत्पन्न होना इसके कारण ही क्या होता है वो रेंगता है ना, रेंगते प्रभाव देखने को इसमें मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि किसी प्रेरण मोटर की कोई दो कला आपस में परिवर्तित कर दी जाए तब डैश है ना, तो क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर उसका यानी कि कला को बदल दिया जाएगा तो मोटर जो है पश दिशा में घूमने लगेगा, जिस दिशा में घूम रहा है उसके विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। ए में कह रहा है मोटर पश दिशा में घूमने लगेगा, एकदम भाई घूमने तो लगेगा उसका, अगर यानी कि टर्मिनल को क्या कह रहा है अगर कला को बदला जाएगा तो उसका जो रोटेशन का दिशा होगा बदल जाएगा। ए में दिया है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति होती है ना, रोटर धारा की आवृत्ति, और दोस्तों यानी कि रोटर धारा की आवृत्ति जो होता है इसके बारे में हमको बताना है। और रोटर धारा का जो आवृत्ति होता है दोस्तों ए में कह रहा स्लिप गुने स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है स्लिप गुने स्टेटर फ्रीक्वेंसी कह रहा है, ठीक है। बी में क्या कह रहा है सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ, तो सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है भाई, ये जो होगा मेनली रूप से अगर देखा जाए तो एस इंटू एफ होता है, ठीक है, यानी कि स्लिप गुण स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है, SF होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।